हाँ जी दोस्तों, आज के इस लेसन में हम बड़ा ही लाजवाब गाना सीखेंगे, परदेसी परदेसी जाना नहीं। इस गाने को पूरे म्यूजिक पार्ट के साथ हम सीखेंगे। शुरुआत वाला म्यूजिक पार्ट स्थाई, फिर स्थाई के बाद वाला म्यूजिक पार्ट, फिर अंतरा। तो पूरा इस गाने को कवर करेंगे इस वीडियो में। बड़े ही आसान तरीके से एक एक लाइन को बड़े ही क्लैरिटी से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आप एक ही बार में इस गाने को पूरा म्यूजिक पार्ट के साथ बजाना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस गाने को। और गाने का जो मैंने स्केल रखा है वो मैंने तीसरी काली रखा है, और शुरुआत में एक म्यूजिक पार्ट है, वो पहले म्यूजिक पार्ट मैं आपको बजा के दिखा रहा हूँ, फिर आपको स्लो स्लो सिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। अभी इस म्यूजिक पार्ट को बड़े ही स्लो तरीके से देखते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, गाना शुरू होगा, म्यूजिक पार्ट शुरू होगा यहां से। पहली लाइन देखते हैं, पहली लाइन में क्या करना है आपको, सिंपल है, दोबारा देख लीजिए। ये आपकी पहली लाइन है, दोबारा एक बार और देख लीजिए आखिरी बार। देन उसके बाद दूसरी लाइन शुरू होगी यहां से आपकी, ये आपकी दूसरी लाइन है। देन उसके बाद तीसरी लाइन, तीसरी लाइन दोबारा देखिए। देन उसके बाद चौथी लाइन, चौथी लाइन दोबारा देख लीजिए। अभी पूरा एक साथ बजा के दिखा रहा हूँ स्लो स्लो, देखिए एक उंगली से। जो आपकी लास्ट वाली दो लाइनें ये आपको दो बार बजानी है। देन इसके बाद एक छोटा सा हारमोनियम का पार्ट है, वो देखिए कैसे है, ये वाला बजाना आपको। इसमें मैंने क्या किया, आपको टोटल 10 बार बजाना है। ये जो बजा रहे हैं ना कॉर्ड, ये मैंने एक कॉर्ड लिया है तीन स्वरों का, ये वाला कॉर्ड, इसको आपको 10 बार बजाना है। और इसका जो बजाने का टाइमिंग है वो क्या रहेगा, एक दो तीन, तीन बार आप पहले बजाओगे, तीन बार फिर बजाओगे, टोटल आपको इसको तीन दफा बजाना है। पहले तीन बार बजाया, फिर तीन बार बजाओगे, फिर चार बार बजाओगे। देखिए एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन चार, पूरा देखेंगे कंबाइन में कैसे आएगा, इस तरीके से आएगा। स्लो में देख लीजिए दोबारा, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन चार, ठीक है। टोटल 10 बार बजाना आपको, और इसकी जो टाइमिंग रहेगी इस तरीके से बजेगा, ठीक है। देन उसके बाद एक छोटा सा हारमोनियम का म्यूजिक पार्ट है, वो मैं आपको पहले बजा के दिखा रहा हूँ, फिर आपको स्लो स्लो सिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वाला देखते हैं, अभी इस म्यूजिक पार्ट को शुरू करेंगे यहाँ से, बड़ा स्लो तरीके से देखेंगे कैसे है। एक बार और देखिए इस म्यूजिक पार्ट को, देन उसके बाद आगे वाला म्यूजिक पार्ट शुरू होगा यहां से। ये म्यूजिक पार्ट है उसके बाद वाला, दोबारा देखते हैं इसको कैसे बजाएंगे, स्लो में देखते हैं। फिर उसके बाद
फिर से देखिए। तो ये आपका गाने का शुरुआत वाला म्यूजिक पार्ट। अगर आपने इतना सीख लिया, समझ लीजिए आपका आधा काम हो गया, आपने आधा गाना सीख लिया। अभी इसके बाद आपका गाना शुरू होगा। गाने की पहली लाइन की बोल है परदेसी परदेसी जाना नहीं, तो गाना शुरू होगा यहाँ से, देखिए कैसे। ये बन गया परदेसी परदेसी जाना नहीं। दोबारा देखिए, देन उसके बाद मुझे छोड़ के, कैसे बजा मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। सिंपल। उसके बाद परदेसी मेरे यार, दोबारा देखते परदेसी मेरे यार। ये मैंने तीन बार दोबारा, फिर उसके बाद वादा निभाना, वादा निभाना कैसे। उसके बाद आगे वाली मुझे याद रखना, ये बन गया मुझे याद रखना। दोबारा देखिए, उसके बाद कहीं भूल ना जाना, कहीं भूल ना जाना कैसे। उसके बाद सेम वही आ जाएगा जो आपने शुरू में सीखा था परदेसी। तो ये आपका गाने का स्थाई पार्ट है। अब इसके बाद एक छोटा सा म्यूजिक पार्ट फिर से आएगा, वो ले म्यूजिक पार्ट देखते हैं। वो म्यूजिक पार्ट शुरू होगा यहाँ से, देखिए कैसे, यहाँ से शुरू होगा। देखिए कैसे बजा रहे हैं इसको, यहाँ पे आपको रुकना है। देखिए कैसे कर रहे हैं, ये आपकी पहली लाइन। उसके बाद दूसरी लाइन देखिए, दूसरी लाइन दोबारा देखिए, ये आपकी पहली दो लाइन है। देन उसके बाद तीसरी लाइन देखिए, सॉरी तीसरी लाइन शुरू होगी यहां से, इसको थोड़ा फिनिशिंग में आपको बजा के दिया, तो फिर आपको स्लो में बताऊं। देखिए कैसे बजे, अभी स्लो में देखते कैसे। देन उसके आगे वाला पार्ट, दोबारा देखते इस पार्ट को, उसके बाद आपका गाने का अंतरा पार्ट शुरू हो जाएगा। तो अंतरा पार्ट शुरू होगा यहाँ से, देखिए कैसे। मैंने तुमको चाहा तुमसे प्यार किया, वो शुरू होगा यहाँ से। फिर से देखिए कैसे, उसके बाद सब कुछ तुम पे अपना यार वार दिया, दोबारा देखिए। फिर
फिर से रिपीट होगा यही पार्ट मैंने तुमको चाहा। देन उसके बाद सेम वही जैसे हमने शुरू में सीखा था परदेसी मेरी यारा। देन वादा निभाना, एक बार फिर से देखिए। उसके बाद मुझे याद रखना, फिर परदेसी तरीके से आपका ये पूरा गाने का स्थाई पार्ट, म्यूजिक पार्ट सब कुछ है। मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी, एक एक लाइन को कई दफ़ा रिपीट किया जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अगर आपको लगता है कहीं पे आपको फिर भी दिक्कत आ रही है समझने में, मैंने जो बताया आपको वो लाइन नहीं समझ में आ रही, तो आप वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं, पीछे करके देख सकते हैं, उस पार्ट को दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं, और वीडियो की स्पीड को स्लो भी कर सकते हैं। यूट्यूब में ऑप्शन में जाके आप इसकी स्पीड स्लो करके भी देख सकते हैं। तो ये छोटी सी कोशिश थी आपको ये गाना सिखाने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर सेम यही गाना आपको पियानो के ऊपर चाहिए, कीबोर्ड के ऊपर चाहिए, तो मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं आपको यही सेम पियानो के ऊपर भी या फिर कीबोर्ड के ऊपर भी म्यूज़िक पार्ट के साथ ये गाना पूरा सिखाने की कोशिश करूँगा। और कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।